तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं मुकेश। में आज कोई नई वीडियो के साथ में तो हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं हैबुक ओएस की, जो कि लेटेस्ट बिल्ड है एंड्रॉयड 10 के ऊपर। अभी तक इसका एंड्रॉयड 11 का वेरिएंट अभी तक तो नहीं आया है, हालांकि इसका कोई अपडेट वगैरह नहीं है। तो हम अभी हैं पिक्सल एक्सपीरियंस में और चलते हैं रिकवरी में, इसके डेटा को करते हैं वाइप और आपको सारी प्रोसेस दिखाते हैं। तो आपको करना है वाइप, एडवांस वाइप, डेलवेक, कैसे डेटा, सिस्टम वेंडर, इंटरनल को छोड़ देना है, उसके बाद स्वाइप टू कंप्लेन फ्लैश। तो और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको ही फ़ायदा होगा और रोम्स के जो रिव्यूज़ वगैरह हैं, इंस्टॉलेशन है, सारे आपको मिलते रहेंगे। तो चलो अब करते हैं इंस्टॉलेशन शुरू और आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो आना है इंस्टॉल के अंदर और आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करना है हैवोक ओएस। हालांकि फर्मवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फर्मवेयर ज़रूरी है और 0.5.9 से ऊपर कोई फर्मवेयर आप लगा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी विथाउट एनी फर्मवेयर के भी इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी बिना फर्मवेयर के काम चल जाता है। तो यहाँ पर फर्मवेयर की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, 0.5.9 से ऊपर का या फिर 0.5.9 फर्मवेयर को हम फ्लैश कर सकते हैं। तो ये है फर्मवेयर सिस्टम का और इसको फ्लैश किया, इसके बाद हम डायरेक्ट फ्लैश करेंगे अपना हैवोक ओएस, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 के ऊपर बिल्ड है और वर्जन 3.11। तो इसको करते हैं डायरेक्ट फ्लैश और हैवोक ओएस, और ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड, और आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट बिल्ड हमें देखने को मिल रहा है। बिल्ड डेट 15 नवंबर का है और इसके बाद जी एफ्स को फ्लैश कर लेना है। मैंने अभी जी एफ्स को फ्लैश नहीं किया है, क्योंकि आपको इसके अंदर जी एफ्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं मिलेंगे, ये विथाउट जी एफ्स वाला पैकेज है। तो आपको जी एफ्स को फ्लैश कर लेना है। और ये इसका फर्स्ट लुक और इसका सबसे पहले ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको करते हैं कम। और कुछ फीचर्स भी हमें देखने को मिलेंगे इसका फर्स्ट लुक, तो हम आपको दिखाई देंगे। तो चलते हैं अपने सेटिंग्स के अंदर, क्योंकि मेन तो सेटिंग्स के ही है और मैंने अभी तक यार जी एफ फ्लैश नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा है इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे सिस्टम वगैरह, जन पार्ट्स वगैरह और अबाउट फ़ोन, कुछ बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। तो ये है हैवोक ओएस 3.11 एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है। अभी तक इसका एंड्रॉयड 11 का बिल्ड यार नहीं आया है, जैसे ही आता है मैं आपको डायरेक्ट ही वीडियो बना करके बता दूँगा। तो बस ये आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे और वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।